बांग्लादेश की टीम के सामने अपने जोहर दिखाने उतरेंगे मेरठ के कासिम। सरधना क्षेत्र के ग्राम पिछलोकर निवासी युवा खिलाड़ी कासिम का बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चयन हुआ है। उनके चयन से गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। भारतीय टीम के लिए चयनित होने के बाद अपने गांव लौटे कासिम पुत्र जमशेद अली ने बताया कि हैदराबाद में हुए ट्रायल के दौरान बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के समक्ष देश भर से 65 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिनमें से 25 सेलेक्ट हुए हैं। इनमें कासिम का सिलेक्शन तीनों फॉर्मेट में कुछ मैच खेलने के लिए हुआ है। आने वाली 12 सितंबर से बांग्लादेश के साथ होने वाली टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज के लिए जयपुर, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, वाईजैक आदि देश के विभिन्न शहरों में मैचों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक T20 मैच साउथ स्टार के साथ वाईजैक में भी होगा। बताते चलें कि बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन 40-70% तक शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करता है। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं ग्राम पिछलोकर तहसील सरधना जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। और 4 अगस्त को हम हैदराबाद गए थे, हमें BDCA बोर्ड से बुलावा आया था, क्या वहाँ ट्रायल है, इंडिया टीम की ट्रायल लग रही है। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ जितेंद्र सतेंद्र सर कोच के थ्रू उनके नृत्य में रहते हुए हमने जो प्रैक्टिस की, 4 दिन हार्डवर्क किया, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। 8 तारीख को जब अनाउंसमेंट हुआ, मैं बड़ा ही भावुक हो गया, खुशी से मेरी आँखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कॉल पर अपने घर बताया और अपने दोस्तों को, तो वहाँ भी बहुत खुशी का जश्न, मतलब बहुत जश्न मनाया उन लोगों ने। और मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त भी। मैं कमजोरी की वजह से ना कभी, मतलब इतना सब कुछ नहीं कर पाया जो मुझे कर पाना चाहिए था। औरों के सामानों से खेल खेल के मैंने अपनी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा कभी मुझे हल्के में नहीं लेते, वे हम मेरी जो स्ट्रॉन्ग पावर से बढ़ाते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मैं 2011 में ये जब मुझे पता लगा कि डिसेबल क्रिकेट भी होता है, तो मैंने तब से ही ठान लिया था कि मैं जरूर इंडिया टीम में इंशाल्लाह सिलेक्शन लेके आऊँगा अपना। और आज मुझे जब सिलेक्शन हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अब 14 तारीख को बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज में खेलने जाना है, जिसमें मेरा T20 T20 है और 3 वनडे में सिलेक्शन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ, इसके लिए मैं 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेगुलर रेस्पॉन्स। और मुझे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एक स्पॉन्सर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ सामान की वजह से। मैं चाहता हूँ कोई मुझे सपोर्ट करे, मैं अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ख्याल माय दोस्त, थैंक यू। ये कासिम विकलांग रहते हुए उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है, क्या कहेंगे ऐसी मेरठ में? मेरठ में टैलेंट देखते हुए, जैसे भुवनेश कुमार खेले, करण शर्मा खेले, परवीन कुमार, इन्हें देखते हुए विकलांगों का भी है, हमारे यहाँ भी 2-3 विकलांग आते हैं। प्रमोद है, एक हाथ नहीं है लेकिन क्या बैटिंग करता है, वो लोग आपने देखा है। और ये तक कासिम लड़का जो सरदार ने कहा है, ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट है इन लोगों में, भरा पड़ा है क्रिकेट का टैलेंट मेरठ के अंदर। कि मेरठ में अगर आप एक रणजी की अलग टीम बनाएं तो भी बन जाएगी। और विकलांगों में तो ज़्यादातर जागरूकता क्रिकेट में आई है, इन लोगों ने मेहनत करके अपनी टीम बनाई है, और अपनी मेहनत पे बांग्लादेश में के खिलाफ या हिंदुस्तान से खेलेंगे, बहुत अच्छी बात है मेरठ के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। और सरदार ने जैसे गाँव के लड़का खेल रहा है, तो मैं यही कामना करूँगा कि वो आके हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, जिस तरह देखा जाए इतने सामान, साजो सामान नहीं है उनके पास, देखिए जो भी देखिए सरकार करे ना करे, मेरे करण क्रिकेट एकेडमी हमेशा बच्चों की सेवा करती है। जो गरीब बच्चे हैं, जो क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो विकलांग भी हैं, उन्हें सामान की ज़रूरत हो मेरे पास आए, मैं फैक्ट्रियों से सामान दिलाऊंगा। मेरे पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान देने को तैयार हैं, जो मजबूर हैं, मेरठ के क्रिकेटर बहुत मजबूर हैं, महंगा सामान है, नहीं खरीद पाते, चाहे वो विकलांग हो कोई हो, मेरे पास आए मैं सामान दूंगा, फ्री दूंगा, चाहे मैं अपनी करंट क्रिकेट अकाडमी के नाम से खरीद के।